नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा Angular 7 का फुल ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि ऑब्जर्वेबल के साथ एसिंक पाइप यूज करके हमने एनजीई क्विज किया, राइट। और उसको हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि हम ऑब्जर्वेबल के साथ एसिंक पाइप यूज करते हैं तो उसमें कैसे कंडीशन चेक कर सकते हैं, राइट। उस चीज को हमने प्रैक्टिकल करके डिटेल्स में देखा, और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेबल के कौन कौन से मेथड या ऑपरेटर्स बोल सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, और उसमें जो मैप ऑपरेटर होता है या मैप मेथड बोल सकते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसका क्या कंसेप्ट होता है, क्यों यूज करते हैं मैप, और इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसको हम डिटेल्स में विद कोडिंग हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, सबसे तो पहले हम बताते हैं आपको कि जो ऑब्जर्वेबल जो है RxJS का लाइब्रेरी का पार्ट होता है ये, और ये ऑब्जर्वेबल क्लास में बहुत सारे ऑपरेटर और मेथड्स होते हैं। तो पहले तो हमें समझते हैं कि ऑपरेटर या मेथड ये करते क्या है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम मेथड यहाँ पर दे दिए हैं कि सब्सक्राइब मेथड होता है, मैप, मर्ज मैप, स्विच मैप, ये बहुत सारे होते हैं, ऑफ, रिट्राई, कैच, थ्रो, राइट, ये बहुत सारे होते हैं। मैं भी आपको इसके RxJS की वेबसाइट पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बट उसमें से जो मेन मेन ऑपरेटर्स और जो मेथड्स होते हैं उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे एक एक करके एक एक वीडियो में। तो आज जो वीडियो है उसमें हम मैप के बारे में देखेंगे कि मैप क्यों यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट है इसका। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेटर का क्या रोल होता है, जिसको आप मेथड बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेबल एज ए इनपुट पास करते हैं, और यहाँ पर बीच में जो ऑपरेटर आता है उसको ट्रांसफॉर्म करके वो अपना फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके एज ए ऑब्जर्वेबल ही आउटपुट दे देता है, राइट। मतलब कि बीच में आपको ऑब्जर्वेबल के साथ जो रिस्पॉन्स रहता है ऑब्जर्वेबल का, उसमें आपको कुछ चेंजेज करना होता है तो बीच में आप ऑपरेटर लगा लेते हैं, और ऑब्जर्वेबल एज ए इनपुट पास करते हैं, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी उसको चेंज करके एज ए ऑब्जर्वेबल ही हम आउटपुट दे देते हैं, राइट। तो उसी तरीके से मैप क्या करता है, मैप का क्या रोल है, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ RxJS के साइट पर कितने सारे इस तरह के ऑपरेटर्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि RxJS का जो साइट, इसको इतने सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि यूज में आते हैं, बहुत सारे, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैप लिखा हुआ है, इस मैप को भी हम देखेंगे, फिल्टर है, बहुत सारे डिले है, मर्ज ऑल है, मर्ज है, इस तरीके से सबका कुछ ना कुछ यूज होता है, लेकिन जो जनरल जितने यूज होते हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो उसको हम एक एक करके एक एक वीडियो में अच्छे से हम समझेंगे और देखेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसका। तो बात करते हैं दोस्तों मैप की, ऑब्जर्वेबल का जो मैप होता है उसका क्या रोल होता है। तो मैप ऑपरेटर ट्रांसफॉर्म वन वैल्यू टू अनदर, मीन्स की जो हम मैप ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, कि मैप में अगर कोई ऑब्जर्वेबल हम पास करते हैं तो उसके वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करता है एक वैल्यू से अनदर वैल्यू में। इट टेक्स ए गिवन वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम एंड अप्लाई द प्रोवाइडेड ट्रांसफॉर्मिंग फंक्शन टू इट, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर, जैसे मान लो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि मैप में हमने क्या किया दोस्तों, कि ये जो एक्स है ये आपका वेरिएबल है जो ऑब्जर्वेबल में हम पास कर रहे हैं, राइट। इस एक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमारा यहाँ पर एक्स में 1 आता है तो क्या आउटपुट देगा, 10 देगा। अगर 2 पास करते हैं इस मैप में तो यह ट्रांसफॉर्म करके क्या करेगा, तो उसको 20 कर देगा, और 3 होता है तो उसको 30 कर देगा। अगर ये बल्क में आता है डेटा, उसको एज एरे पास करते हैं तो सबके साथ सबके वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई करके उसको, मीन्स उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको एज ए आउटपुट दे देगा, मीन्स की एक वैल्यू को अनदर वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। तो इसको यूज कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों अपने कंपोनेंट पर उसको इंपोर्ट करना होता है, RxJS एड ऑपरेटर मैप लिखकर, ये आपका लाइब्रेरी यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि हम अपने कंपोनेंट पर आप उसको एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें ऑब्जर्वेबल को हम स्ट्रिंग टाइप बनाते हैं उस वेरिएबल को, और उसके बाद जो फंक्शन होता है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, कि फंक्शन में हम 101 जो आईडी है, जो आपका एपीआई में जो डेटा का आईडी है उसको पास कर रहे हैं, उसको हम मैप कर रहे हैं, डॉट मैप,
और ये जो बुक है इसमें जो पास हो रहा है बुक को हमने क्या कर दिया, डॉट बुक नेम, मीन्स को हमने कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर बुक में तो दोस्तों पूरा एरे आ रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट उसके नेम को हम केवल एज ए स्ट्रिंग यूज करके इसको कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे, राइट। तो उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एच टी एम एल पे क्या करेंगे दोस्तों कि एच टी एम एल पर हम इसको सब्सक्राइब करके सिंक पाइप लगाकर इसको केवल बुक नेम को हम क्या करेंगे कि शो कर लेंगे। उसके बाद इसे यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर करके भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इसको बुक को और कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करके वैल्यू भी पास कर सकते हैं यहाँ पे। मीन्स यहाँ पर तो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, बस उसके नेम को हम ट्रांसफॉर्म करके और नेम निकाल रहे हैं, बस नेम के साथ कुछ कनेक्ट करके भी कुछ स्ट्रिंग भी पास करके हम निकाल सकते हैं इसके वैल्यू को। तो इसको हम चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट जिसमें हमने एनजी इफ को यूज किया था एसिंग पाइप के साथ और ऑब्जर्वेबल के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली उसको एक बार जरूर विजिट कर लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आपको एक बार पीछे के दो तीन वीडियो विजिट करना ही होगा इस वीडियो को अच्छे समझने के लिए, क्योंकि हम एक एक करके दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में हम एपीआई नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो, राइट। तो क्या किया कि हमने इसमें एपीआई बनाकर सर्विस बना रखा है, सर्विस है इसमें हम क्या मेथड बना रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेबल को हमने एज ए बुक पास कर रहा है, राइट। बुक को हमने एजरेबल पास कर दिया यहाँ पर और आईडी पास करेंगे इसमें, और यहाँ पर क्या होगा कि यूआर का आईडी जाएगा, उस आईडी का डेटा निकाल कर लेकर आएगा, राइट। तो उसके बाद हम कंपोनेंट में जाएंगे जहाँ पर हमें क्या चेंज करना है उसको, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे क्या पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑब्जरेबल में हम क्या पास कर देंगे, इसके यहाँ पर स्ट्रिंग कर देंगे। ये हमारा एप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग बनाएंगे, राइट। स्ट्रिंग ले लिया हमने और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एरर आ गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डॉट मैप, राइट। ये जो मैप होता है इसके लिए पहले हमने क्या किया, अभी पहले बता दूं दोस्तों कि उसको हमने पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, जो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर रखा है, या जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैप को इम्पोर्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे यूज करेंगे इसको मैप डॉट, या फिर मैप के पास कर देंगे क्योंकि मैप एक मेथड है, इसमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। मेथड में पास करेंगे बुक, ये वेरिएबल है, और इसमें हम क्या डालेंगे, अगर यहाँ पर डायरेक्टली हम केवल बुक डाल देते हैं तो क्या होगा दोस्तों कि पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, बट बुक डॉट नेम है यहाँ पर हम करेंगे, केवल हम नेम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग निकाल रखा है, मीन्स कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस बुक में तो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, डॉट नेम हमने निकाल लिया। अब ये करने से क्या होगा कि हमें अपने व्यू पेज पर वहां पर बुक डॉट नेम में बुक डॉट आईडी नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट नेम को रिटर्न करा लेंगे। उसके बाद पहले इसको रिटर्न करा कर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी चेंज करेंगे, कुछ और भी ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसका भी रिजल्ट दिखाएंगे आपको ब्राउजर में। तो इसको यहाँ पर सेव करते हैं दोस्तों और चलते हैं एच टी एम एल पेज पर, हमें वहां पर क्या करना होगा। एच टी एम एल पेज पर पहले तो दोस्तों इसको हम कमेंट करते हैं, इसे कोई जरूरत नहीं है, दूसरे तरीके से हमें इसको करना है। कंट्रोल के सी कर दिया हमने और यहाँ पर दोस्तों हम एक दूसरा डिव ले लेते हैं, डिव डिव को हमने बंद किया और यहाँ पर इंटर, और इस डिव में हम एनजी इफ लगाएंगे, एनजी इफ। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा सॉफ्ट बुक है जिसमें हमारा डेटा आ रहा है इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि कुछ एरर ना दे। इसको हमने कॉपी किया और इसको यहाँ पर पास किया और यहाँ पर हम पाइप लगा देंगे, राइट। एसिंक राइट एज बुक, ये वेरिएबल है, एज के बाद उसको आप कुछ भी ले सकते हैं, और इस बुक को हम यहाँ पर बाइंड कर देंगे, राइट। यहाँ पर हम इंटरपोलेशन के अंदर, या फिर यहाँ पर हमने बुक ना नेम ले लेते हैं ताकि समझ में आए कि बुक नेम निकाल रहे हैं, और इसको हम बाइंड कर लेंगे, राइट। यहाँ पर हम बाइंड कर लेंगे, इसको सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउजर में, केवल नेम रिटर्न करेगा ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल नेम आ गया, मींस कि हम पूरे ऑब्जेक्ट का केवल नेम निकाल लिए ट्रांसफॉर्म कर लिए डेटा को। और अगर हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या रहा है, केवल नेम आ रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नेम इक्वल टू नेम कॉलन इस तरीके से लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर लिखिए एच टी एम एल में, या आप चाहते हैं कि यहाँ ना करके हम डायरेक्टली कंपोनेंट में इसके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लें, तो यहाँ भी आप मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं नेम, राइट। यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया,
अगर अब इसको सेव करेंगे दोस्तों, मीन्स कि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि नेम लिखा हुआ आ जाएगा, नेम कॉलन ये, राइट, मीन्स कि हमारा ये कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैप में। तो अभी दोस्तों हमने क्या किया कि एसिंक को यूज करके हमने इसको दिखाया। अब हम क्या करेंगे कि इसको सब्सक्राइब मेथड यूज करके देखते हैं, सेम प्रैक्टिकल करते हैं सब्सक्राइब मेथड को यूज करके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको पहले कमेंट कर लेते हैं और इसको इसमें हम एज ए स्ट्रिंग बना लेते हैं, राइट। इसको स्ट्रिंग बना लेंगे और यहाँ पर इसको भी कमेंट कर लेते हैं, इसको कॉपी भी कर लेते हैं ताकि टाइप ना करना पड़े। अब इसमें हम सब्सक्राइब मेथड यूज करेंगे और यहाँ पर सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हटा लेते हैं, कनेक्शन कोई जरूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, डॉट सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेथड यूज कर लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि नेम, और इसमें हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे हम, दिस डॉट सॉफ्ट बुक्स इक्वल टू नेम कर लेते हैं, राइट। ये हमारा होगा सब्सक्राइब मेथड हमने यूज कर लिया। अब हमें HTML पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर कॉलन होगा, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, कॉलन होगा, राइट। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और HTML पे क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर जाएंगे और इसमें हम यहाँ से हटा देंगे, इस सारी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, राइट। और इसको डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं, हम यहाँ पे एसिंक पाइप यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट हम सब्सक्राइब मेथड यूज करके इसको यूज कर रहे हैं, राइट। अब इसको हम रन करेंगे तो डायरेक्टली हमारा वही डेटा आएगा जो डेटा हमारा आना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डायरेक्टली बुक का नेम आ गया, मीन्स कि हम दोनों तरीके से देख लिया, हमने एसिंक पाइप यूज करके भी देखा और हम सब्सक्राइब मेथड यूज करके भी हमने देखा। तरीके से हम मैप को यूज करते हैं दोस्तों, हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैप को दो तरीके से यूज किया, तो एक एसिंक पाइप यूज करके देखा हमने और दूसरे हमने सब्सक्राइब मेथड को भी यूज करके देखा, राइट। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकें। और दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि मर्ज मैप कैसे यूज करते हैं, ऑब्जर्वेबल का मेथड जो होता है ऑपरेटर, उसको हम मर्ज मैप बोलते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, राइट। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।